नजारा है। जय हो, समाओ, एक सेल्फी हो जाए। बड़े भैया देखो, हम फोटो में कितने अच्छे लग रहे हैं। मोटू है यार। नो एंट्री, बी वेयर ऑफ ज़ेब्रा एंट्स। ये एरो क्या है? वो ज़ेब्रा एंट्स है। वहाँ बहुत बड़ी बड़ी ज़ेब्रा की साइज की एंट्स पाई जाती है, जो कि ज़ेब्रा की तरह दिखती है। वहाँ कोई नहीं जाता। अरे हम नहीं डरते हैं ज़ेब्रा से। हमारे यहाँ तो ज़ू में ज़ेब्रा होते हैं, और एंट्स एंट्स तो घर घर में होते हैं। एक फोटो तो खींचे, चलो पतलू ऊपर चलते हैं, उनके साथ सेल्फी लेकर आते हैं। जाओ, जब टूरिस्ट के बुरे दिन आते हैं ना, तो वो ज़ेब्रा एंट्स की तरफ जाता है। तू सोच लो, ऊपर जाना ठीक होगा क्या? तुम रहने दो यार, तुम जिधर भी ले जाती हो वहाँ हमारी पिटाई करवाती हो यारी, जाने दो। अरे तुम लोग एंट से डरते हो। एंट से क्या डरना, ना तो ज़ेब्रा खतरनाक होते हैं और ना ही एंट्स। सोचो, फोटो खींचकर लोगों को दिखाएंगे, ये एक यादगार बात रहेगी। चलो चलो, फोटो खींचकर भाग कर आ जाएंगे। चलो। अरे सुना था, लेकिन सिर्फ फोटो खींचकर आ जाएंगे, उनके पास नहीं जाएंगे। हाँ, सिर्फ फोटो खींचेंगे पक्का। अरे ये कौन लोग हैं जो यहाँ चले आ रहे हैं? सुंदर सुंदर। अरे सब लोग जा रहा है यहाँ तो देखो। अरे वो देखो ज़ेब्रा एंट्स, वो देखो। अरे कहाँ चले गए? चलो चलो, फोटो खींचेंगे। चलो चलो। अरे भागो, फोटो छोड़ो, इनका साइज तो देखो। धन्यवाद। तुम लोग चाय नाश्ता ऑर्डर करो, मैं तब तक न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ। अरे ये लिफाफा कैसा? इसमें तो कुछ लिखा है, एक मैसेज है। आज रात को 1 महीने का राशन ऊपर सनसेट केव में छोड़ जाना। अरे इसका क्या मतलब हुआ? लगता है केव में कोई तो राज की बात छुपी है। सुनिए, ये लेटर मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं, मुझे पढ़ने दो, पढ़ने दो। अरे मैंने कहा दे दीजिए मुझे, दे दीजिए। अरे छोड़िए। क्या? अरे मेरा इतना नुकसान कर दिया। अरे पकड़ा इन्हें। गुड। ओए मोटू मेरे भाई, मेरे यार, एक बार फिर सोच लो। नहीं नहीं, मैं तो सनसेट केव्स जाऊंगा तो जाऊंगा, चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो, कुछ भी कहो। उस लेटर में कुछ तो राज की बात छुपी है, मेरे अंदर का जासूस जाग गया है। उड़ी बाबा, जब जब मोटू का जासूस जागता है, तब तब हम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। अरे मैं तो जा रहा हूँ, जिसे आना है मेरे साथ आओ, नहीं आना है तो मत आओ। चलो, उसे अकेले नहीं छोड़ सकते। अच्छा, कोई नए मेहमान आ रहे हैं। वेलकम वेलकम।
ये लोग कौन हैं? ये हमारे आदमी नहीं लगते। दिखाइए सर, मिस्टर स्नो मैंने कल इन्हें रेस्टोरेंट में देखा था। अच्छा, शायद इन्होंने वो लेटर पढ़ लिया होगा। ओह, तो ये बात है। मिस्टर स्नो का शो कोई अपसेट नहीं कर सकता। आज तो बहुत मजा आया। खासी गैंग ने बहुत बड़ी रॉबरी कर ली है और रॉबरी करके भागे हैं। और पुलिस वालों को भी तलाश है। कब पकड़े जाएंगे? हेलो, मैं इंस्पेक्टर पीटर। मैं और मेरी टीम यहाँ भेस बदल कर जो बैठे हैं, वो सारे पुलिस वाले हैं। हम खासी गैंग को ढूंढ रहे हैं। अगर कोई भी सस्पिशियस नजर आया तो हमें इन्फॉर्म करना। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं तो इस सर्दी की वजह से परेशान हूँ। वो खासी गैंग यहीं आ रही है, आज बच के जाने न पाए। पकड़ो उन्हें। सबको बहुत परेशान किया तुम लोगों ने। काम से अरे रुक जाओ, उन्हें अरेस्ट करना, रुक जाओ। मैंने कहा रुक जाओ। अरे भाई, मुझे ही पीट लिया। आ गई वो खासी गैंग और छो निकल गए। आज पहली बार खासी गैंग को पब्लिक ने खूब पीटा, फिर भी वो बच के भागने में सफल हो गए। मिस्टर गॉफ कह रहे हैं कि हम लोग तो यहाँ हैं, फिर ये खासी गैंग के नाम पर कौन पिट रहा है? चेक करना होगा। ओके टॉमी बॉस। थक गया। अरे इतना खास क्यों रहे हो तुम? सुना नहीं लोग हमें खांसी गैंग वाला कह के पीट रहे थे, और तुम हो कि अभी भी खांसते ही जा रहे हो। अब खांसी आ रही है तो क्या करूं पत्नो, कैसे रोकूं? अरे वो देखो खांसी गैंग। मारो उनको। खासी गैंग सरेंडर कर दो। अब तुम दोस्तों, बर्लिन का मार्केट कितना अच्छा है ना, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। उस महिला का नेकलेस बड़ा सुंदर है। अरे मैंने देखा था नेकलेस, वो हवा में उड़ता हुआ उस आदमी के पास गया था। लगता है उसने जूम से नेकलेस निकाल लिया और बहुत तेजी से। हाँ। अरे क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, वहाँ गया ही नहीं। मुझे चोर समझा है क्या? इस लेडी का नेकलेस तुमने ही चोरी किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा जादू है, तुम कैसे गायब हो जाते हो? मैं कुंफू कलाकार रैम्बो बेल्ट हूँ। कुंफू कराटे की जितनी कलर की बेल्ट होती है सबको मिलाकर रैम्बो बेल्ट बनती है। मेरी स्पीड इतनी है कि कोई देख नहीं सकता। अरे रुको, भाग तो कहाँ हो?
अरे चाहे तुम कोई भी बेल्ट हो लेकिन मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगा। हाँ नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। बाय बाय। अरे ये क्या कर दिया, कौन हो तुम? मैं पकड़ लूंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे पकड़ के ही दम लूंगा। अरे बाबा एक मिनट रुको, हम अभी आते हैं। यहाँ से बाय बाय। जल्दी चलो यार। ओ जी छोड़ना बंद उसे। बोलो बाबा। मैं सुनिए पापड़ भाई दो। अरे वो उसी की कार है। चलो। अरे ये रेड सिग्नल भी कितना टाइम लगा रहा है। चलो जब तक एक और हाथ साफ कर लेता हूँ। अगर ऐसे भागोगे तो वो हाथ से निकल जाएगा, सिग्नल होने वाला है यारी। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।